Hi. Hi, everybody. Hello. All of you और शुक्रिया आपने हम सबसे नाम बुलाया. मैं एली सिंह, डायरेक्टर मोदी जी त्रिवेदी. मेरे साथ मेरी टीम है अवनी मोदी जो मेन लीड हैं इस फिल्म की और इस फिल्म की राइटर भी ये. और मेरे राइट पे हैं प्रीतोभाष. नमस्कार. राइट पे हैं विक्रम कौशल. नमस्ते. तो आई एम श्योर आप लोगों को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होगा और फिल्म का नाम आप जान ही चुके हैं. शायद ट्रेलर आप लोग देख चुके होंगे. आप लोगों के लिए हम यहाँ पे आए हैं. आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देना हमारा फर्ज है. जरूर देंगे. सर, ये एक सवाल आपसे है. ये जो अभी मोदी जी ये नाम रखा है, तो क्या ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए रखा है, मौजूदा सरकार की हालात को देखते हुए रखा है, मोदी जी के नाम पर रखा है, ये क्या कंसेप्ट है? अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि इनका नाम अवनी मोदी है, तो जाहिर बात है इनके पिताजी का नाम भी मोदी ही होगा. तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम किसी भी तरीके से किसी तरीके राजनीति से जोड़ रहे हैं. एक सिंपल साधारण नाम है. लेकिन हाँ, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो 2014 में इनके साथ हुई थी और वो भी मीडिया की देन है. तो हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि ये नाम, ये टाइटल जो है वो हमको हिंदुस्तान की मीडिया ने ही दिया है. तो कहानी जो थी वो एक सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई थी. वो क्या हुआ था मुझसे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको अवनी खुद बता पाएगी. तो मैं चाहूंगा कि अवनी खुद अपने शब्दों में वो बयान करें. जो आपने सर सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है कि क्यों ये नाम अगर वर्तमान सरकार से रिलेटेड है कि क्या, तो उसके पीछे का रीजन है कि क्या हुआ था. तो अक्सर ये होता है कि फिल्म की पहले कहानी लिखी जाती है, फिर उसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढा जाता है. हमारे केस में उल्टा हुआ. सबसे पहले मीडिया के जरिए मुझे टाइटल मिला, मोदी जी की बेटी, उसके ऊपर फिर हमने कहानी लिखी है. तो बात दरअसल 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी तमिल फिल्म की चेन्नई के अंदर, और उस वक्त एक रिपोर्टर, आप तो बहुत वाकिफ होंगे ऐसे लोगों से जो कि जानबूझ के ऐसे नुकीले सवाल पूछते हैं आपसे, तो ऐसे मुझे एक सवाल पूछा कि आप गुजराती हैं, ऊपर से आप मोदी हैं, आप गांधीनगर से हैं, तो कहीं आप पीएम मोदी जी की कोई रिश्तेदार है क्या? कल उनके हमें पता चला आप उनकी बेटी बेटी निकली, तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपसे. ऐसा उन्होंने सवाल किया मुझसे, और मैंने बहुत ही प्राउड के साथ उसका जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है. अब ये मैंने उनको जो जवाब दिया, दूसरे दिन उन महाशय ने वो हेडलाइन छाप दी, अवनी मोदी क्लेम्स टू बी डॉटर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी. एंड ओवरनाइट मैं मोदी जी की बेटी बन गई. वो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आधा, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे वो स्पाइस अप करके उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको फैला दिया हर जगह. हर एक न्यूज चैनल ने, हर एक न्यूज पोर्टल ने उसको कैरी किया. आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने कैरी किया उसको. तो इस तरह मैं नो कंटिन्यूसली मेरे नाम के साथ मोदी जी की बेटी शब्द जुड़ गया. बात वहां तक बढ़ गई कि अगर मैं किसी दूसरे भी इवेंट में जाती हूँ तो हेडलाइन आती थी मोदी जी की बेटी नजर आई इस फंक्शन में, मोदी जी की बेटी नजर आई यहाँ पार्टी में. तो ये चलता रहा मेरे साथ. तो मीडिया ने मुझे मोदी जी की बेटी बना दिया, और ये जो फिल्म की कहानी है वो इसी घटना से आगे बढ़ती है कि अगर एक लड़की रातों रात प्रधानमंत्री जी के साथ जस्ट बिकॉज उसका सरनेम मिलता है, उसकी वजह से फेमस हो जाती है मीडिया की देन से, फिर क्या होता है उसकी जिंदगी में? और पाकिस्तान में अगर कोई असर होता क्या है, बहुत कम लोग हैं जो मीडिया में गॉसिप और न्यूज दोनों परोसा जाता है, उसके बीच का फर्क नहीं समझते कुछ लोग जो छोटे शहरों से होते हैं या जो मासूम लोग होते हैं. तो मीडिया का जो भी कहा रहा है उनके लिए सच है, उनको लगता है टीवी पे आई है बात वो सच है, न्यूज़पेपर में छपा है तो वो सच है, उनको गॉसिप और न्यूज का फर्क नहीं पता होता है. तो अगर ऐसे लोग इस गॉसिप को सच मान ले, इस अफवाह को सच मान ले, तो क्या होता है? ये हमारी फिल्म की कहानी है. दैट्स व्हाई ये पूरा जो फिल्म के अंदर जो चक्कर है, ये जो कंफ्यूजन है, वो सिर्फ नाम को लेके है, इसीलिए फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी है.
भरा पूरा चला बहुत बड़ा। इसके बाद सब 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 के सवाल खत्म हो गए। उम्मीद है मिल गया, आप चले कम से कम ये सवाल अब आप सबको जो है इसका जवाब मिलेगा। तो ये सवाल तो आप लोग अब नहीं पूछेंगे। तो इस फिल्म के जरिए दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा? ये कहानी जो है एक फिक्शन है, तो इसमें हमने जो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऊपर है, और जो नयापन है वो ये है सबसे पहले कि ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, किसी से कॉपी नहीं की गई, कहीं से कोई इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन नहीं है, तो डेफिनेटली पूरी फ्रेशनेस है। और नयापन ये है कि हम लोगों ने जो कॉमन इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हम लोगों की क्या भावनाएं हैं एक दूसरे की तरफ, वो है। और एक कॉमिकल तरीके से पेश किया गया, सरकास्टिक है फिल्म डेफिनेटली, लेकिन जो हम लोग बॉर्डर पे जो जंग होती है, तो वो क्या उससे आपको मेरे को कुछ फर्क पड़ रहा है? हम लोग शायद हमदर्दी भी करते हैं, तो वो वॉर जो है वो पॉलिटिकल वॉर्स हैं, दो देशों के बीच में हमेशा होती रहती है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक अपना जोशीला मैच होता है, सबको जोश होता है। हम पाकिस्तान की टीम से शायद नफरत तो नहीं करते, पर ये जरूर चाहते हैं कि हिंदुस्तान जीत गया। तो इस कहानी में जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग पाकिस्तान में जाके एक मैच खेल के आ रहे हैं, और वो मैच का जो कप्तान है वो ये बैठी है यहाँ, और वो और उनके जो पाकिस्तान की टीम जो है वो विक्रम और पीतोबाज, तो ये लोग इनोसेंट टेररिस्ट हैं जिनको पता नहीं कि टेररिज्म क्या है, लेकिन टेररिस्ट बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि कसाब ने कभी कुछ बहुत बड़ा किया था। अब उसके ऊपर कहानी नहीं बता रहा हूँ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं लोग, ये उनकी कहानी, उनकी कहानी, और उनको वो कैसे जो है एक सही तरीके से हार्मनी के तरीके से उनको एक मैसेज मिलता है, हाउ दे कम ऑन द राइट ट्रैक। एक और छोटी चीज है मैम, हम इस फिल्म में प्यार की बात कर रहे हैं, पर लड़का लड़की के प्यार के बियॉन्ड जो प्यार एग्जिस्ट करता है ना दुनिया में, हम उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं। तो एक कन्वेंशनल लव स्टोरी जैसा जो आपको हमेशा मिलती है फिल्मों में कि एक हीरो होगा एक हीरोइन होगी, वो नहीं है, वो नहीं है इस फिल्म में। कहीं आपको रोमांस पेड़ के पीछे नाच गाना वो सब नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही कम गाने भी हैं फिल्म में, तीन ही गाने हैं, वो सब सिचुएशनल गाने, एक प्रमोशनल सॉन्ग है वाला जो कि तो फिल्म में ले देकर दो गाने, और वो सिर्फ आपको लगेगा कि तो स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप सर के पास स्क्रिप्ट लेके गई थी कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, या उससे पहले ही आपने सर से कॉन्टेक्ट कर लिया था कि मेरे साथ ये चीजें होती है देखो ये ऐसा ही कुछ हुआ था। दरअसल पहले तो ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला कैसे मैं ये बताई, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था ये कंट्रोवर्सी, तो मैंने बताई 2014 में हुआ था मेरे साथ, वो फिर लगातार चलता रहा। अब 2017 के आसपास की बात है, तब ये जो इंडिया पाकिस्तान एक्टर्स को जो बैन किया है वो नहीं था उस वक्त, वो काम कर रहे थे सब लोग। तो मैं एक हमारे फ्रेंड है जो कि उनका लंदन में प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में भी शूट होती है, तो ऐसे मुझे उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म की ऑफर दी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर माहिरा खान यहाँ काम कर सकती है, फवाद खान कर सकते हैं, तो हम भी करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ने किया भी है वहाँ पे जाके पाकिस्तानी फिल्मों में काम। तो उन्होंने फिर सोचा और कहा कि लेकिन एक दिक्कत है, वो तो जो तुम्हारे सरनेम को लेके जो इंटरनेट पे तुम्हें मोदी जी की बेटी बुला रहे हैं लोग, तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया फिर तुम वापस नहीं आ पाई, तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा लोगों को, तो इसलिए ये रहने देते हैं। और फिर मैंने कहा सर ये तो लेकिन गॉसिप है, सबको पता है, बोलते वो जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको वहाँ टेररिस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो ये फिल्म का प्लॉट मुझे ऐसे मिला कि हाँ, अगर कोई पाकिस्तान में अगर एक एक्ट्रेस वो फंस जाती है, मोदी सरनेम है, कैसे वहाँ से वो बाहर आएगी, ये पूरी कहानी इस फिल्म की ऐसे मिली। और जैसे ये मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने इमीडिएटली एडी सर को फ़ोन किया, और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया है, तो ऐसे ही हम लोग इस लेवल पे तो तुक्के बोलते हैं इसको, जैसे कोई तुक्का आता है तो सर को मैं शेयर करती थी। सर ने बोले यार आइडिया इंटरेस्टिंग है, आइडिया छोड़ पहले तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है पिक्चर का, और उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, आई थिंक वी शुड डू दिस। तो मैंने कहा फिर आप डायरेक्टर हैं, आप लिखवाइए, किसी राइटर को हायर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू लिख, मैंने कहा नहीं मैं राइटर नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं कैसे लिखूँगी। फिर उन्होंने लिखवाया भी, दो चार राइटर्स से सैम्पल सीन लिखवाए,
उनको भी मजा नहीं आया, मुझे भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे फोर्स करके राइटिंग करवाई कि तूने ये सोचा है तो तू ही लिख पाएगा, तुझसे बेटर शायद कोई नहीं लिख पाएगा। तो मे भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हिडन पोटेंशियल था, लेकिन सर ने उसको पहचाना मुझसे पहले और इनकी बदौलत आज मैं एज अ राइटर भी काम कर रही हूँ और एक अच्छी स्क्रिप्ट में लिख पाई हूँ। सो यस, दोनों कॉर्नर है। अलग से मैसेज हो गया कि कसाब ने बहुत बड़ा काम किया, एक तो सवाल आपसे दूसरा जी एडी सर आपसे ये कि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी फिल्म प्रमोशन, बड़ी बड़ी फिल्मों प्रमोशन हुए हैं बॉलीवुड के हिसाब से और प्रमोशन करने के बाद वो चली नहीं, लेकिन उसी बीच बहुत सारी कम बजट की फिल्में भी आ रही है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? छोटी सी खाली मैम, आप जो पूछ रहे थे पहले तो फिल्म में वो कसाब जैसा नाम करना हम दोनों बोल रहे हैं, ठीक है ये नहीं बोल रहे हैं। आप जैसे कोई चोर बनना चाहता है ना, उसके आइडल कौन है? चांद चोर रहते, समझ रहे? तो सिंपल है ना, वो क्या क्लैरिफाई किया गया फिल्म में कि हम खुद टेररिस्ट है फिल्म में, आप देख रहे हो कि टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर ट्रेलर में ही पहले बताते हैं दो टर्म फिल्म तब तो डाउन की बात है उसके बाद आप ट्रेलर अगर देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि इट इज ऑलरेडी सेइंग टू डम टेररिस्ट। नहीं डम छोड़ दीजिए, टेररिस्ट के लिए आइकॉन तो लादेन और कसाब ही होंगे ना, उनका वो प्रोफेशनल है ना, तो हर प्रोफेशन में अपने आइडल, जैसे हर क्रिकेटर को सचिन तेंदुलकर बनना है, हर पॉलिटिशियन को मोदी जी बनना है, तो हर टेररिस्ट को भी तो कसाब बनना है। हमारे देश में कितने बिजनेसमैन ने नीरव मोदी जी को भी आइडल माना है और भाग रहे हैं। सर आप दोनों से सवाल है कि टेररिस्ट की जिंदगी में कैसा लगा? बड़ी फिल्मों के लिए प्रमोशन करे जा रहे हैं, उनमें बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी हो गई या चली नहीं है, वो अलग बैक साइड कुछ भी होता है, ठीक है उसके लिए हम उनके खुद फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो हम लोगों को बहुत दुख हो जाता है, अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मानना पड़ेगा हमको और आप सबको और पब्लिक को कि आज पब्लिक जो है कुछ नयापन चाह रही है। हम लोग एक कोविड के दौर से गुजर चुके हैं, थिएटर्स बंद रहे, अब जो कंटेंट है वो लोगों को मिल नहीं रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पब्लिक नया कंटेंट और ओरिजिनल कंटेंट का इंतजार कर रही थी, जो मैं दावे से कह सकता हूँ इस फिल्म में है और आपको मिलेगा। अब थिएटर्स के अंदर आज ये भी सिचुएशन आ चुकी है कि ओटीटी ने जो है हम लोगों को 2 साल में घर पे बिठा के वो आदत डाल दी, लेकिन अगर अब थिएटर्स खुले हैं और अगर पब्लिक वापस थिएटर्स में जाना शुरू करे और उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है तो जाहिर है उनका रिस्पांस जो है वो ये होता है कि भाई पैसा वसूल नहीं हुआ। तो अब मैं ये दावे से बोल रहा हूँ और मैं चाहूँगा पब्लिक जो है इस पिक्चर को जाए, इसको पसंद जरूर करेंगे वो, और वापस आते हुए हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको मिलेगी और ये जरूर बोलेंगे वो पैसा वसूल। आपने कहा कि मोदी जी की बेटी के रूप में आप जानी जा रही हैं और हर लड़की मोदी जी की बेटी है, तो क्या मूवी में महिलाओं के लिए भी मोदी जी ने बहुत सारा काम किया महिलाओं के लिए, क्या कुछ मैसेज आप लोगों ने मुझे देने का किया? सर उनको रिप्रेजेंट करके वो सारे काम मैं पाकिस्तान में जाके करके आ रही हूँ तो फिल्म तो 80% पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हाँ मोदी जी की बेटी वो एक सिंबलिक टाइटल है, वो रिप्रेजेंटेशन है देश की हर एक बेटियों का। तो मैंने फिल्म में भी यही कहा है और हमेशा यही कहती हूँ कि इस देश की हर वो बेटी जो कि साहसिक है, निडर है और जो सच का साथ दे रही है, जो अपने सपने पूरे करने के लिए हर एक परिस्थिति में वो मुकाबला कर रही है, वो हर बेटी मोदी जी की बेटी कहलाती है। सो दिस इज द रीजन कि वो हर बेटी इतनी काबिल है कि उसको कहीं भी किसी भी देश में छोड़ दो वो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो मैम इसका तो मोदी जी हैं। हाँ जी, आपके आइडियल लीडर मोदी जी हैं। हाँ बिल्कुल, सबके हैं मेरे ख्याल तो, हमारे ने ये फिल्म पहले, आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में नया कलर है, नई स्टोरी है, अभी तक कोई स्टोरी शायद ऐसी नहीं है, आपका कहना ही है, क्या आने वाली फिल्मों में क्या या पहले आ चुकी है और आतंकवाद नहीं दिखाया गया?
या कहीं फिल्म नहीं दिखाया गया या कहीं ऐसी स्टोरी कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई ना हो, नहीं दिखाई गई, सिर्फ एक नाम के लिए या पब्लिसिटी के लिए आपने ये सब चीज़? नहीं सर, मैं आपका जवाब क्योंकि मैंने लिखी है, मैं इसका आपको सही जवाब देती हूँ। हमने बहुत सारी भारत पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को लेकर फिल्में देखी है, बराबर। उस फिल्मों में, उस फिल्म में फर्क क्या है मैं बताती हूँ। हमने हमेशा पाकिस्तान को गालियां निकाली फिल्मों में, हैंडपंप उखाड़े हर फिल्मों में जाके, ठीक है, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया है। यहाँ पे ये फिल्म के अंदर पाकिस्तान को ना नीचा दिखाया गया है, ना किसी धर्म को, ना किसी कास्ट को नीचा दिखाया गया है, उल्टा पाकिस्तान और भारत को दोनों को मिलके आतंकवाद को कैसे खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए ये बात कही गई है, ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि और इसमें क्या नयापन है, हमने जब भी पाकिस्तान और भारत की बात आती है तो जितनी भी फिल्में हमने देखी है ना, उसमें जो परसेप्शन देखा है वो या तो पॉलिटिकल परसेप्शन देखते हैं फिल्मों के अंदर, या तो आर्मी का परसेप्शन होता है, या तो फिर जो होता है वो हमारा टेररिस्ट का परसेप्शन होता है। जितनी भी फिल्में आई है, जैसे पूरी मान लो फॉर एग्जांपल, वो तो जगह सत्य घटना पे आधारित थी, लेकिन परसेप्शन जो हमें दिखाया जाता है वो यही होता है। पहली बार एक फिल्म के अंदर कॉमन मैन का परसेप्शन दिखाया गया है कि आप जैसे, हम जैसे लोग जो कि घर में टीवी पे बैठ के न्यूज पढ़ते हैं, अखबार में न्यूज पढ़ते हैं, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो क्या सोचते हैं आतंकवाद के बारे में, ये कॉमन मैन का परसेप्शन पहली बार फिल्म में दिखाया है। सोचता कौन, कॉमन मैन किस तरीके सोचता है, आपने क्या देखा, क्या सोचता है इस फिल्म में माध्यम से? आपने कहा कि वो जानने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी ना सर, उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मेरा सवाल आप लोगों से, आपने अभी जो आपने कहा कि 80% फिल्म पाकिस्तान में शूट की गई है, तो क्या ये नहीं पाकिस्तान कहानी, पाकिस्तान बनाया गया है? जी मेरा वही मतलब कि पाकिस्तान में शूट की गई, मतलब आपने पाकिस्तान का सेट क्रिएट किया, आपने उसको ऑथेंटिसिटी को डेवलप करने के लिए क्या रिसर्च की, क्या आपको कठिनाइयां आई? मतलब आई नो के वो थोड़ा बहुत इंडिया से भी मिल सकता है, बट टू मेक इट लुक डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ऑथेंटिसिटी आपने देखना पड़ता है। तो एक डायरेक्टर, एक डीओपी जो है वो लोकेशन हंटिंग पे निकलता है, तो हम लोगों ने सब वो चीजें पहले की विद रेफरेंस, ऐसा तो नहीं होगा मतलब विद रेफरेंस कोई भी नहीं करता, टोटल रेफरेंसिंग के साथ, रेफरेंसिंग करने के बाद वैसी लोकेशन हिंदुस्तान में ढूंढी जाती है, ये कह सकते हैं। और बहुत सी चीजें जो सेट्स के ऊपर, जो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से जो चीजें, उनका पहनावा और वो इवन बीतोबाश और विक्रम ने अपने एक्सेंट पे भी बहुत मेहनत की है फिल्म में, वो जिस तरीके से बोलते हैं तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो एक्सेंट होती है वो लाने के लिए दोनों ने मेहनत की है। आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन की टीम, सब लोगों ने काफी, मतलब हम लोगों ने काफी आर्ट डायरेक्शन के अंदर जो है, और जो प्रॉप्स हैं वो स्पेशली रिसर्च करके बनवाए, और वो हम अपने साथ लेके गए। इसकी सारी शूटिंग हिमाचल में मनाली में हुई है, और मनाली की ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ शायद पहले कुछ फिल्में बनी भी नहीं कभी, वो भी लोकेशन टोटल, और गाड़ी वाड़ी नहीं जाती, हम लोग को पैदल दो दो घंटा चल के जाना पड़ता था। ये पॉइंट ये जरूर बताते हैं हमेशा, और मुझे एक जान पड़वाते हैं, बताइए। तो ये भी हुआ है, और जैसे अगर फिल्म में ट्रेलर में भी देखेंगे, आप देखेंगे कि पीतो, मैंने और अग्नि ने एक ही कपड़ा पहना, तो छोटी सी बात है जी। लेकिन तैयारी इस हिसाब की थी कि हम अगर 30 दिन वहाँ शूट कर रहे हैं और ये एक जर्नी पे निकले, तो जाहिर सी बात है इनके कपड़े चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग जंगल में जा रहे हैं, लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, जर्नी है, तो इनके कपड़े वही रहे, और उस तरीके की करीबन 3 से 4 जोड़े तैयारी करके लेकर गए कि भाई आपको शूट तो 30 दिन करना है, भले ही आपकी जर्नी आप दिखा रहे हो हफ्ते भर की ट्रैवल की, तो वो तैयारियाँ हुई हैं, बस एक छोटी सी बात। और वहाँ पे क्या जो फिल्म के अंदर पाकिस्तान के ऐसे कोई वो नहीं दिखाए हैं, पर जो कि वहाँ की स्ट्रीट्स होती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो छोटे ढाबे होते हैं, छोटे जो होटल्स जैसा होता है, वो सारा कुछ दिखाया, तो वो वहाँ पे कैसे होते हैं, पहाड़ों में वो लोग कैसे रहते हैं, वो सारा रिक्रिएट किया गया है। सर ये टू डम्प टेररिस्ट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जा रहा है, पहले भी हो चुका है, तो आई होप कि ये अलग होगा, क्योंकि मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर में कटाक्ष देखे हैं, मोदी जी चाय से रिलेटेड है, कसाब से रिलेटेड है, तो ये काफी अच्छे कटाक्ष हैं, मतलब
और आपकी एक्टिंग आपको हंसी आई कि नहीं ये बताओ। डेफिनेटली डेफिनेटली तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिल्म में आपको 100% उसका मल्टीप्लाई 20 होगा वहां पे। तो बस यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूं, क्या भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आतंकवाद अगर कर रहा है और आतंकवादी बन रहा है वो डम है, क्योंकि अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान है वो टेररिस्ट तो नहीं बनेगा। तो ये फिल्म सटायर है, सटायर में हम डम टेररिस्ट बने हैं, बट वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ टेररिस्ट माइंडसेट, दैट डम माइंडसेट। यस वी आर डम, इफ यू आर अ टेररिस्ट देन यू आर डम, बिकॉज कोई इंटेलिजेंट इंसान तो दूसरे इंसान को मारेगा और बम सुसाइड बॉम्बर बनेगा, ये सब तो नॉर्मल इंटेलिजेंट इंसान तो बनेगा ही नहीं ना जी। सो बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट डमनेस ऑफ टेररिज्म। थैंक यू अब एक फोटो।